ये रहा जो कि नया बेड लेदर का, और जो कि ये बेड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, अल्लाह आपको सेहत व सलामत रखे। वेलकम बैक टू द चैनल। जो चैनल पर नया है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, शुक्रिया जी करता हूँ। आज का खूबसूरत प्यारा सा ब्लॉग स्टार्ट, लेट्स गो। ये रहे दो बैट, ये जीएम जो कि पुराना है, वो कोकुम्बारा का बैट हमने जो कि नया लाया है आज ही। तो पहले ये देख बैट देख सकते हो आप, इसको हमने नॉक नहीं किया था। इसकी हालत देख सकते हो भाई कितनी खराब हो, कि ये बेड आप नया देख। तो गाइस पहले हम इसको अनबॉक्स करेंगे, आप देख सकते हो भाई ये रहा जो कि नया बेड लेदर का, और जो कि ये बेड पुराना था, इसको हमने जो कि नॉक नहीं किया था। आप देख सकते हो इसकी हालत कितनी खराब है। तो गाइस पहले हम इसको जो कि नॉकिंग करेंगे, अभी आपको दिखाएंगे। गाइस ये रहा ऑयल, इसको हम पहले बेड में लगाएंगे। नॉकिंग करने के लिए हमने ये लाया, इसको हम शादियों में और जो बाकी सारे जो कि होते हैं फंक्शंस घर में, उन्हें में भी इस्तेमाल करते हैं। कश्मीर पेट वाला मौज दकुर नॉकिंग शो इस पेट करें। तो गाइस इसको ऐसे ही अथवा 5-6 साल काफी थोड़े दिन बाद में चाहिए थोड़ा असल पर नॉकिंग। तो गाइस फाइनली जो कि हमने इसको नॉकिंग की 8-10 मिनट तक, इससे जब हम कहीं पर बेड लाते हैं लोकल पर ही, उनके पास जो कि नॉकिंग सिस्टम नहीं होता है, ये मशीन में जो बेड आना तक तुम आसान नॉकिंग सिस्टम तुम मशीन से ही करा नॉकिंग, तुझ अत से गा नॉकिंग की युद्ध मशीन से गाँव। फिर भी हमने इसको 8-10 मिनट कंटिन्यूसली जो कि नॉकिंग की। दिन में आपको 1-2 घंटे बेड को नॉकिंग करना है, वही प्लस आपको 3-4 दिन कंटिन्यूसली रखना है, ताकि बेड को जो कि स्ट्रोक है वो अच्छा बनेगा। तो फिर जो कि बैच ज़्यादा तरह से आप नॉकिंग इन जो कि एजेस को करने हैं, तो चूँकि एज ना आसान बेड ये तो वह ज़्यादा नॉकिंग करें एजिस दोन घंटे कंटिन्यूसली यम पास तो यम पास तीन बन बेड स्ट्रोक तो हम ओतान बेड तुम हमो बी अक लट यह प्रोन बेड इस मैं तुम ओतान हमो वन तुम वुचित यम हालत कैसा खराब है। यह कोर नॉक कहें ये कुछ इतने पट यह गो खस्त बेट ना स्ट्रोक कहें ना यह फुट नो बेट वो तुम वो ना नो बेट यह गो वजार ये पूरा खस्ता हो गया है, इसको हमने पहले नॉकिंग नहीं की तो इसलिए बहुत ही बेकार हो गया। आप जो नया बेट लाएगा तो प्लीज़ वो बेट को नॉकिंग करे। गाइज़ अगर मेरा ब्लॉग आपको ज़रा सा भी पसंद आया तो शेयर फॉलो ज़रूर करना। इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमान।